वीडियो के थर्ड पार्ट में। तो पिछले तो वीडियो के बारे में मैंने सब लोगों को बताया था, तो उसमें तो जहाँ इंट्रोडक्शन था और फिर था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम जो न्यूटन के लॉस है, राइट, जो हमारा जो न्यूटन के लॉस है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट, तो उनका उनका क्या बाउंड्रीज है, मतलब उसकी क्या लिमिट्स है, राइट। और इस सिस्टम का यूज़ अगर हम रेफरेंस फ्रेम को यूज़ करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं बता सकते, या फिर ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट। तो इसके कुछ बाउंडर्स के बारे में हम बात करेंगे, प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे, और एक ओवरऑल हम लोग एक आपको एक ओवरऑल समरी देंगे कि हम जैसे फिजिक्स को हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या बाउंड्रीज है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं एक रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट से, राइट। तो इसके बारे में हम बात वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पहला पिछला जो वीडियो दो वीडियो पार्ट है वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार एक वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर आ रहा है कि यार मुझे और भी जानना है इस सब के बारे में, आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आपको आपके अंदर धीरे धीरे आपको जो पहले होता था ना कि यार हमको लगता है कि यार ये किताब नहीं पढ़ा या फिर वो किताब नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेशन आ रहा है कि यार चलो वो किताब पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो मेरे लिए यार अगेन कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है यार, मतलब मैं यही चाहता हूँ यार अल्टीमेटली आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक। तो दोस्तों पिछला जो वीडियो था, राइट, तो उसमें हम लोगों ने जो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके उसके बारे में बात किया था, राइट। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि फिक्स है। फिक्स फिक्स मतलब क्या कि अगर हम किसी भी इनर्शियल फ्रेम से उस इंसिडेंट को अगर किसी भी इंसिडेंट को अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उस इंसिडेंट का कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि मान लो लेंथ, राइट, एक्सेलरेशन, राइट, और फोर्स, इसको हम नेट फोर्स भी कहते हैं कि जो टोटल जो नेट फोर्स है, राइट। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम से इसको देख रहे हैं, राइट। तो अब देखो जो इंसिडेंट हो रहा है उसमें मतलब जो कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो वो इस रेफरेंस फ्रेम से मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंटली होता है। लेकिन अगर हमें किसी भी मतलब इंसिडेंट को देखना है और उसको ऑब्जर्व करके हमें मैथमेटिकली हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होगा। वो एक्स वाई जेड और टी, इन चारों के जरिए मैं आप लोगों को मतलब आप किसी भी एक इंसिडेंट को ऑब्जर्व करके उसको मैथमेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। तो और अगर जो इनर्शियल फ्रेम में जो दो टाइप के फ्रेम होते हैं, एक है फ्रेम एट रेस्ट, राइट, और एक होता है फ्रेम एट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो इन दोनों टाइप के फ्रेम में जो जो रिलेशन होगा, राइट, वो कुछ ऐसा था, राइट। ठीक, राइट। और हम लोगों को कैसे ये जो लेंथ है, राइट, उसको कैसे मेजर करना है फॉर ए मूविंग फ्रेम, उसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया। और उस फिर हमने इसको फर्दर कैलकुलेशन किया और फिर हम लोगों ने देखा जो वेलोसिटी है उस वो डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम से उस इंसिडेंट को किसी भी एक इंसिडेंट को मतलब क्या कहता हूँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर हमने और फर्दर किए तो हमें जो एक्सेलरेशन था वो हम पता चला कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता है, यार यानी हम मूविंग फ्रेम से देखें या रेस्ट फ्रेम से देखें तो दोनों में ही हमारा जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है और जो डायरेक्शन है वो एक ही होगा, राइट। तो और ये चीज़ हम लोगों ने तीनों को देखा था और हम लोगों ने देखा था कि जो नेट फोर्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ये था हमारा ओवरऑल जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। और अगर हम आपको पूछा जाए कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उनमें क्या क्या इनवेरिएंट है तो लेंथ एक्सेलरेशन फोर्स ये तीनों ही है इनवेरिएंट, राइट। तो ये था ओवरऑल, राइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ जो इस जो हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ों को देखा, राइट, जो भी हमने समझा समझा इससे हम लोग क्या क्या कॉन्क्लूजन में आ सकते हैं और फर्दर हम लोग क्या क्या इससे क्या क्या हो सकते हैं, राइट। और इसी
समझ से हम क्या करेंगे, वो जो ओवरऑल जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है, और न्यूटनियन मैकेनिक्स से हम फिजिक्स के जो जो पार्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कुछ कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उन सब के बारे में हम एक ओवरऑल आइडिया लेंगे, राइट। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक दो तीन चार पैराग्राफ में उन लोगों ने सब चीज़ों को बताया। तो मैं कोशिश करूँगा आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने का, तो आपको मतलब आसानी भी होगी, और अगर आप चाहें तो बाद में वो किताब पढ़ भी सकते हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, राइट। तो अगर हम कहें कि जो पहला पॉइंट है, राइट, तो उन लोगों ने कहा कि यार जो हमारे नेचर में, राइट, ऐसे बहुत सारे फोर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसका क्या होता है, जिसका जो जो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, वो डिपेंड करता है दो, मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ कि दो बॉडीज है, राइट। तो दो बॉडीज में जो फोर्स हो रहा है, मतलब अब मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो, या फिर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स मान लो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे दुनिया ऐसे नेचर में बहुत सारे फोर्स है जो डिपेंड करता है दोनों बॉडीज की सेपरेशन लेंथ के ऊपर, और उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सेपरेशन लेंथ के अलोंग ही होता है, राइट। आप एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को मान सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अगर आप करेंगे तो होगा राइट। तो उसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है वो दोनों बॉडीज की सेपरेशन लेंथ यानी आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, और क्योंकि बाकी सब जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग आर ही होता है, राइट। तो ये था, मतलब अब इसको जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी आप मान सकते हो, राइट। तो ऐसा कुछ बताया, राइट। तो पहला जो पार्ट था उन्होंने यही बताया कि नेचर में ऐसे भी फोर्स है जिसका जो जिसके जो उस पार्टिकल दोनों के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उस दोनों पार्टिकल का जो सेपरेशन है, राइट, वो सेपरेशन का फंक्शन होता है वो फोर्स, और उसी सेपरेशन का लेंथ का डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है, राइट। तो उसके बाद उन लोगों ने बताया कि नेचर में ऐसे भी बहुत सारे फोर्स होते हैं जो शेप और से पोजीशन के ऊपर नहीं, राइट, सेपरेशन है उसके ऊपर नहीं, उसके वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। आप इसको आप कह सकते हो जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, राइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, राइट, ये जो है वो लेंज लॉ है, राइट। तो लेंज का लॉ से हम अगर देखेंगे कि ये जो है ये इसके मतलब एक चार्ज पार्टिकल का मतलब पोजीशन के ऊपर ही नहीं उसके वेलोसिटी के ऊपर भी क्या करता है वो डिपेंड करता है, राइट। तो इन इन सब फोर्स को हम न्यूटनियन मैकेनिक्स से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। तो न्यूटनियन मैकेनिक्स का जो मतलब क्या बताओ कॉन्स है वो यही है, राइट। और तो उन्होंने ऐसे दो तीन टाइप को फोर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन लोगों ने जो भी मतलब जो कुछ भी उन लोगों ने जो नेचर में जो भी फोर्स है, राइट, उनके बारे में धीरे धीरे बताना शुरू किया, और उन्होंने बताया कि जो न्यूटनियन मैकेनिक्स से हम कुछ कुछ फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ कुछ को नहीं, राइट। और फिर उन लोगों ने बताया कि एक और उन लोगों ने अब वो लोग आए जो जो टोटल मतलब एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम से अगर हम किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या फिर हम अगर हम उसको जो टोटल एनर्जी है, राइट, तो ये सब को जो होगा, राइट, तो इस सब की जो वैल्यू वो अलग अलग होंगे अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट पे, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मैं एक यूं ही एग्जाम्पल दूँ कि मान लो कि आप एक ट्रेन में हो, राइट, आप एक ट्रेन में हो और यहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो आप विंडो से एक लड़के को देख रहे हो कि वो एक फुटबॉल खेल रहा है, राइट राइट। तो आपके लिए ये फुटबॉल का जो वेलोसिटी होगा, राइट, वो अलग होगा। आप इस फुटबॉल को मान लो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में पीछे जाते हुए देखोगे, लेकिन वो लड़का फुटबॉल को कुछ मतलब क्या बताओ एक अगर उस मान लें फुटबॉल का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो आप उसको मान लो 5 मीटर पर सेकेंड पर पीछे देखोगे, और वो लड़का शायद उस फुटबॉल को 1 मीटर पर सेकेंड में आगे देखेगा या फिर 2 मीटर पर सेकेंड में आगे देखेगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है, राइट।
तो ये कह रहे ऐसा होता है राइट, तो उनका अगर आज का जो वेलोसिटी है वो अलग होगा तो इसका ऑब्वियसली जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो अलग होगा, इसका जो क्या बताऊँ जो मतलब टोटल टोटल एनर्जी होगा वो भी अलग होगा राइट। तो उनका कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी और इसका जो वैल्यूज है राइट वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम। बट इनकी जो जो वैल्यू है इसका जो कंजर्वेशन लॉस है राइट वो क्या होंगे वो हर एक फ्रेम के हर एक फ्रेम के लिए वो एक होंगे राइट। तब इस जो तो आप देखो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल कंजर्वेशन टोटल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी वो हर एक फ्रेम के लिए एक होगा राइट। मतलब क्या आप मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ लॉस होते हैं क्या, अगर आपको मैं कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करूँ तो इनमें इसमें मोमेंटम भी आता है राइट, इसमें मोमेंटम भी आ गया। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसको हम लोगों ने मतलब बहुत बार पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप लोगों ने ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम बहुत बार किया होगा कि मान लो ये एक गन है और गन से क्या होता है एक बुलेट वी वेलोसिटी से जा रहा है राइट। तो हम लोग क्योंकि जो गन को चालू करने से पहले उसका टोटल मोमेंटम क्या था, जीरो था। आफ्टर क्या होगा कि मान लो गन का वेलोसिटी कैपिटल एम है तो वो क्या होगा वी वन से पीछे की ओर जाएगा और जो बुलेट है वो वी टू से आगे की ओर जाएगा। तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा पहले वाले से इक्वल होगा राइट। तो ये क्या होता है, ये हर एक किसी के लिए होता है। अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी पकड़े तो जो जो सिस्टम को चालू होने से पहले इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा और उसको उस सिस्टम के बाद उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो एक होगा राइट। इनके वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं रेफरेंस फ्रेम की अलग से, लेकिन ये हमेशा मतलब क्या हो जो इनिशियल होगा और जो फाइनल होगा उससे क्या होगा वो इक्वल करेंगे राइट, चाहे वो किसी भी हम इसको रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं राइट। लेकिन अगर लेकिन उसका जो वैल्यू होगा वो अलग अलग हो सकता है राइट। तो उनका बस कहने का मतलब ये था राइट। तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी या फिर आप मान लो जो क्या बताऊँ जो जो मोमेंटम है राइट, इनके लिए ये सब कुछ मतलब दे आर एप्लीकेबल राइट। तो ये उन लोगों ने बताया कि ये एक चीज़ है राइट। और अगले में उन लोगों ने बात की कि जो रेफरेंस फ्रेम के बारे में राइट, तो अगले में जो वो बात कर रहे थे वो हमें धीरे धीरे लेके जा रहे थे जो एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम की ओर राइट। अब उन लोगों ने जो फोर्थ पॉइंट था, उन लोगों ने फोर्थ पॉइंट पे क्या कहा कि मान लो एक आदमी एक क्लोज्ड ट्रेन की डब्बे में राइट कोई गेम खेल रहा है राइट। तो उन लोगों ने कहा मान लो आप एक पूल गेम ही खेल रहा है एक आदमी राइट। अब उस आदमी के लिए इस पूल गेम में जो बॉल्स है राइट उनकी वेलोसिटी उनकी जो मूवमेंट मूवमेंट है इनको देख के ये कभी नहीं बता पाएगा कि ये ट्रेन का वेलोसिटी क्या है राइट। तो अब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है मतलब अब मान लो कि आप एक रेफरेंस फ्रेम में हो और आप उस रेफरेंस फ्रेम में कुछ इंसिडेंट हैं उनको उसको ऑब्जर्व कर रहे हो राइट। तो इनको ऑब्जर्व करने से आप ये कभी नहीं कह पाओगे कि इसका इसका वेलोसिटी क्या है, ये एट द रेस्ट है या एट द रेस्ट नहीं है राइट। और अब देखो ये मतलब कहने का मतलब ये था कि अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अंदर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यार अगर हमें ये पता ही नहीं है कि इस फ्रेम का वेलोसिटी क्या है तो हम लोगों ने जो टोटल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको कैसे किया राइट। तो हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया था, दोनों दो दो रेफरेंस फ्रेम पकड़े थे इसीलिए हम लोग एक के रिस्पेक्ट पे एक का वेलोसिटी बोल पाए थे राइट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा भी याद कराना चाहूँगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने दो दो रेफरेंस फ्रेम पकड़े थे और एक का वेलोसिटी था भी और एक का था जीरो, और ये जो वी वेलोसिटी था ये विद रिस्पेक्ट टू द दिस फ्रेम था राइट। अब ये भी फ्रेम मूविंग है या नहीं है राइट, हम लोगों ने वहाँ पर कंसिडर किया था कि ये फ्रेम मूविंग नहीं है एट द रेस्ट है राइट। लेकिन मान लो अगर ये फ्रेम नहीं होता तो आप इसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बताते राइट। तो मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एक रेफरेंस फ्रेम में हो तो उस रेफरेंस फ्रेम एट द रेस्ट है या एट द मूविंग है ये आप नहीं बता सकते राइट। तो मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको अभी अभी भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मान लो
कि हम इस धरती पे हैं, राइट। अब ये धरती जो मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या फिर कितने वेलोसिटी से वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, इस धरती पे खड़े रह के हम कभी नहीं बता सकते, राइट। या फिर इस धरती पे खड़े रह के हम एक ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम हमारे मान लो हमारे रिस्पेक्ट पे जो ट्रेन है, यानी हमारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट वो ट्रेन का वेलोसिटी मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है, राइट। लेकिन हम उस ट्रेन को ऑब्जर्व करते हुए या फिर धरती पे खड़े हुए कभी भी ये नहीं बता सकते कि जो धरती है वो कितना मतलब वेलोसिटी से मूव, कितने कितने वेलोसिटी से घूम रहा है। यानी हम शायद मैथमेटिकली बता भी दें, लेकिन हम इसको मतलब क्या बताऊँ, मतलब उसको फील नहीं कर सकते, राइट। वी कैन हम उसको मतलब महसूस नहीं कर सकते कि जो धरती है वो एक्चुअली मूव कर रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि रेफरेंस फ्रेम का ये एक कौन है, राइट। और भी उन लोगों ने बताया कि हमारे लिए मान लो कि चलो ये वाला एग्जांपल मैं आपको दोबारा बोलता हूँ कि आप बैठे हो और आप एक ट्रेन से एक लड़के को देख रहे हो, वो फुटबॉल खेल रहा है, राइट। आपके लिए ये वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकेंड है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे बैठे बैठे कभी भी ये नहीं बता पाओगे उस लड़के का मतलब वो लड़के उस बॉल को क्या वेलोसिटी से आगे मूव करते देख रहा है, आप उसको बता नहीं सकते। बता नहीं सकते इन द सेंस कि आप शायद मैथमेटिकली आप बता पाएंगे अगर आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे या फिर आपको कुछ बोल दिया जाएगा कि इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, तो आप शायद बता भी दोगे। लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे आप ये नहीं बता पाओगे, यानी पता मतलब क्या, अभी यहाँ पे बैठे जस्ट फील नहीं कर पाओगे कि ये लड़का इस बॉल को कैसे देख रहा है, वो आप इस रेफरेंस फ्रेम से कभी भी देख नहीं पाओगे, राइट। तो ये दोनों जो तीन थिंग्स है ये क्या है, रेफरेंस फ्रेम के मतलब क्या कौन से, राइट। तो उन लोगों ने कहा कि अगर हम किसी भी रेफरेंस फ्रेम से उस रेफरेंस फ्रेम का एक्चुअल वेलोसिटी या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं बता सकते, तो अब हमें करेगा क्या, क्योंकि अब तो हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि यार इस फ्रेम के बैठे बैठे हम तो ये नहीं बता सकते वो मूविंग है या रेस्ट है। तो उन लोगों ने बताया कि हमें एक एब्सोल्यूट फ्रेम की ज़रूरत होगी, राइट। अब हमें एक एब्सोल्यूट फ्रेम की ज़रूरत होगी जिसकी रिस्पेक्ट पे हम सारे जो बता पाएंगे कि किसी भी फ्रेम का वेलोसिटी एब्सोल्यूट है या नहीं है, यानी एब्सोल्यूट फ्रेम। तो आप तो हम लोगों ने क्या किया, अगले पार्ट में ढूंढना शुरू किया कि क्या एक्चुअल में कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है, तो अब देखो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है वो तो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन जो इन लोगों का ओवरऑल मतलब फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कहने का मतलब था, बोलो क्या कह रहे, बोलो क्या के पहले जो फोर्स है उनको डिफाइन किया, उनको बताया कि ऐसे कुछ ऐसे भी कुछ फोर्स है जिसको हम न्यूटन लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे भी लॉस है जिसको हम न्यूटन मैकेनिक्स से कैलकुलेशन या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने बताया जो रेफरेंस फ्रेम हम पकड़ रहे हैं उसके भी कुछ प्रोज और कॉन्स है, और फिर उन लोगों ने बताया कि उनके जो जो बड़े से बड़े कॉन्स है उन लोगों ने उसको बताया कि जो किसी भी रेफरेंस फ्रेम से हम ये नहीं बता सकते कि उस फ्रेम का मतलब क्या बताऊँ, मतलब उस दूसरे फ्रेम का वेलोसिटी क्या है, और किसी भी रेफरेंस फ्रेम में बैठे बैठे हम ये नहीं बता सकते उस फ्रेम मूविंग है या फिर वो एट द रेस्ट है, ये सब कुछ, राइट। तो ये सब कुछ समझने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो फिर हम कैसे बताएं कि किसी का किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है। तो उन लोग तो हमारे जो प्रीवियस जो भी हम लोगों ने कंसिडर किया उससे हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि अगर ऐसा कोई एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, तो उसी एब्सोल्यूट फ्रेम के रिस्पेक्ट पे हम बता पाएंगे किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी फ्रेम का किसी भी मतलब फ्रेम का एब्सोल्यूट मतलब क्या बताओ, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो क्या है, राइट। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको बेसिक आइडिया तो है ही कि ऐसा कोई एब्सोल्यूट फ्रेम है नहीं, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, हर कुछ हर कोई मूविंग मूव कर रहा है, तो हर कोई मूव करेगा, तो हम कैसे बताएंगे कि इसके मतलब हम एक फ्रेम के रिस्पेक्ट पे दूसरे फ्रेम का तो बता पाएंगे, लेकिन उसको जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो हम कैसे बता पाएंगे, क्योंकि धरती भी मूव कर रहा है, सन भी मूव कर रहा है, ओवरऑल जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी मूव कर रहा है, ओवरऑल जो स्पेस है वो भी एक्सपांड हो रहा है, तो बता नहीं पाएंगे, राइट। तो ऐसा तो एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है, लेकिन ऐसा तो उन लोगों ने फर्दर उन लोगों ने क्या किया तो उसके बारे में हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में।